होने जा रहा है 5 और 6 नवंबर को, लेकिन इसमें जो जरूरी संशोधन होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार गुहार लगा चुके हैं, ट्विटर कैंपेन्स कर चुके हैं, सब करके देख लिया है, आउट ऑफ कोर्ट जितना कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रही है। और ये इतना मतलब ऐसा अड़िग स्टैंड नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें 3 संशोधनों की बेहद जरूरत थी, पहला सीटी क्वालिफाई, दूसरा 2 बार सोशो इकोनॉमिक के अंक नहीं जुड़ने चाहिए थे, तीसरा जूरिसडिक्शन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट होनी चाहिए थी। लेकिन अब सीटी क्वालिफाई के लिए अभ्यर्थी एक और कोशिश करना चाहते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, वो परसों से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे से हैशटैग रहेगा CET_qualify_only, सब कैपिटल लेटर्स में रहेगा। आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें व इन अभ्यर्थियों की मदद करें। आप टैग कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, CMO हरियाणा को, आदमपुर के कैंडिडेट्स को, बिकॉज अब वहीं पर ही लाइमलाइट है तो वहां मतलब सब देख ही रहे हैं। तो सरकार से मेरी भी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि हे सरकार, आपने सीईटी अनाउंस कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अब एग्जाम लेने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इसमें आपने 4 से 5 गुना की शर्त रखी है उसमें क्या रहेगा कि अभ्यर्थी क्लियर करने के बावजूद भी एग्जाम यदि उस फ्रेम में नहीं आता है 4-5 टाइम्स वाले में तो वो फेल बराबर ही है, उसका सीईटी पास करने का भी कोई औचित्य नहीं बचेगा। और इसमें ज्यादा एज मिलता है जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक रहेंगे। तो हे सरकार, जिस अभ्यर्थी के पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है उसके लिए तो ये ऐसा है जैसे आप उसे सजा दे रहे हैं, क्यों नहीं आप उसे भी मौका दे देते हैं इसकी क्वालिफाइंग इसको बनाकर, ताकि जैसे HCS प्रीलिम्स होता है, जैसे IAS प्रीलिम्स होता है, ताकि उसे भी सेकेंड स्टेज पर मौका मिले। क्योंकि पहली स्टेज पर क्या है कि जितने नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे वो अपने आप निकल जाएंगे। आप एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं, एक बार सेट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप हर एक अभ्यर्थी को मौका दे सकते हैं, और आपको ये मौका देना चाहिए। पता नहीं सरकार इसमें क्यों अडिग है, कैसे है, क्या करे।